किसानों को गिरवी रख दिया वहां पे। दो ही अडानी अंबानी भाई जिनको देश बेचना चाहता है। तो आज श्राद्ध का पहला दिन, श्राद्ध के दिन हम लोग यहाँ मित्र तर्पण इसलिए होता है कि हमारे पूर्वजों की आत्मा उनको शांति मिले। सड़क पर उतरी क्या पूरा मामला? हमें तो बार बार सड़क पर उतरना ही पड़ रहा है क्योंकि किसानों के हक पे डाका डाल रहे हैं उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी के बॉस हैं आजकल अडानी और अंबानी, वो किसानों की जेब पे उसके हक पे डाका डाल रहे हैं। आज 8 आने किलो बिक रहा है, 50 पैसे किलो लहसुन, 3-4 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, उसका लागत का 25% मूल्य भी नहीं निकल रहा है। ये हालत किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ता है और ये निर्मोही मामा कहता है कि किसान भाइयों बहनों घबराना मत, मैंने तुम्हारे लिए खजाना खोल दिया। अब फूटे खजाने वाले, तेरे खजाने में कुछ है ही नहीं, किसानों को क्यों बरगला रहे हो तुम लोग? आज श्राद्ध का पहला दिन है पितृ तर्पण का, लोग तिल और तमाम पवित्र जल से तर्पण करते हैं। आज हम बीजेपी की आत्मा का तर्पण करने आए हैं लहसुन और प्याज के माध्यम से कि बीजेपी की आत्मा तुझे कहीं तो शांति मिले। अडानी अंबानी शांति नहीं देंगे, तुझे देगा इस देश का किसान ही शांति। तो आज ये पितृ तर्पण वाले दिन बीजेपी की आत्मा को तर्पण लहसुन और प्याज और मूंग कन्नौज खाते गाँव तरफ जहाँ बंडा वाला हमारे नेता है वहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ कांग्रेस जीती है तो वहाँ 3 किलोमीटर के गांव को 50 किलोमीटर दूर मूंग की खरीदी का केंद्र दे दिया। ये अन्याय यहाँ कलेक्टर और शिवराज मिलकर कर रहे हैं कि मूंग खरीदना ना पड़े, पैसा देना ना पड़े किसान को। तो इस तरह की घिनौनी हरकत किसानों के साथ कर रहे हैं। तो हम सड़क पे इसीलिए आए कि किसान भाइयों बहनों अब तो पहचान जाओ इस नरेंद्र मोदी काका को और इस शिवराज काका को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।